You can now access all of our videos from class 9th to 12th on our app. Download it now through link given in the description. Numbers. You can love them or hate them, but let's just accept that they're really cool. Numbers की एक बहुत ही amazing बात ये होती है कि आप मुझे जितना मर्जी बड़ा एक number दें, मैं हमेशा आपको उससे भी बड़ा एक number बता सकती हूँ. अब हालांकि बड़े बड़े नंबर्स बनाते जाए रहना तो बहुत ही इजी है क्योंकि हमको सिर्फ जीरो से तो ऐड करने हैं, बट एक्चुअली नंबर्स को विजुलाइज करना और समझना कि वो नंबर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये बहुत ही मुश्किल टास्क है. If you are a number lover, then get ready to be amazed as we talk about really, really, really big numbers today. लेकिन अगर तो आपको नंबर से डर लगता है, still don't worry because हम आपकी हेल्प करेंगे इस वीडियो में to actually visualize big numbers. And either way, things are going to get crazy. So let's start small, and by small we mean 10,000. Assuming कि आप उससे छोटे numbers 1, 10, 100 and 1000 को easily visualize कर ही पाएंगे. 10,000 may seem like a small number, but let me tell you ki 10,000 soldiers ki madad se Muhammad ne Mecca ko conquer kiya tha. It is also equal to the number of days for which Vietnam war lasted. Matlab 10,000 days is almost as equal as 27 years. Then comes 100,000 jisko hum India mein lakh ke naam se bhi jante hain. 100,000 meters is the height jisme aap earth ke atmosphere ke bhi bahar apni flight start karenge or you start your space flight. टाइम की अगर बात करें तो आप 100,000 आवर्स में पूरी हैरी पॉटर मूवी सीरीज मतलब फर्स्ट टू द 8th मूवी को देख पाएंगे 5,000 टाइम्स. नॉट ओनली दिस, आप इंडिया के नीचे से ऊपर तक मतलब कन्याकुमारी से कश्मीर तक वॉक कर पाएंगे, दैट टू 1,540 टाइम्स. अ मिलियन, ये बहुत बहुत बड़ा नंबर है और इसीलिए फ्रेज आया यूर वन इन अ मिलियन. लेकिन आज की वर्ल्ड पॉपुलेशन कुछ ऐसी है दैट इवन इफ यूर वन इन अ मिलियन तो इस पूरे वर्ल्ड में आपके जैसे 7,000 लोग और होंगे. A million seconds is 12 days and a million minutes ago was the year 1741. But a million is still small number compared to the bigger guys. तो अभी तक सब सही था और हम numbers को exactly वो जैसे हैं वैसे लिख पाते थे. लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उस number के आगे के zeros बढ़ते जाएंगे and it is going to be impossible for us to write all the zeros against a number. तो इसीलिए हमको एक नई notation की जरूरत है which we call the exponent. Exponents are shorthand for multiplication of the same thing by itself. For example, अगर तो आपको 10 multiplied by 10 multiplied by 10 लिखना है और number 1000, तो इसको आप लोग लिख पाएंगे as 10 raised to the power 3. अब इस exponent की importance आप लोग इस छोटे से example में नहीं समझ पाएंगे, but just wait till things start to get crazy. So coming back to numbers, 1 million में ही एक और zero add करने पर हमको मिलेगा 10 million, जिसको हम लोग इंडिया में 1 करोड़ भी बुलाते हैं. और इस रेंज में लाया करता है the number of steps that you will need to walk all around the earth. 40 million steps to be precise. 100 millions or 10 crore. यहाँ पे हम लोग आते हैं at approximate distance between sun and the earth, which is 160 million miles to be precise. आज तक ह्यूमन हिस्ट्री में जितनी भी यूनिक बुक्स पब्लिश की गई हैं, वो भी इसी रेंज में लाया करता है 130 मिलियन बुक्स. नॉट ओनली दिस, महाराष्ट्र की पॉपुलेशन इज ऑल्सो क्लोज टू 100 मिलियन. 1 बिलियन पर पहुंचे तो हमको अब पूरे इंडिया की बात करनी होगी, एज दिस इज जस्ट स्लाइटली लेस देन द पॉपुलेशन ऑफ एंटायर इंडिया. टाइम की अगर तो बात करें तो 10 टू द पावर 9 आवर्स अगो ह्यूमन बींग्स के एंसेस्टर्स स्टोन एज में रह रहे थे. 1 बिलियन मंथ्स अगो हमारे अर्थ पे अभी भी डायनासोर्स घूम रहे थे और 1 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ पे पहला मल्टी सेलुलर यूकैरियोट ओरिजिनेट हुआ था. इफ यू आर अ ब्रेव हार्ट और आप अभी बैठे काउंट करने के लिए फ्रॉम 1 टू 1 बिलियन तो आपको ये करने के लिए 95 ईयर्स लग जाएंगे. और जीरो आगे लगाएं तो वी गेट 10 बिलियन व्हिच इज द नंबर ऑफ ईयर्स सिंस द बिग बैंग हैपेंड. ऑल्सो इट इज द नंबर ऑफ सेकंड्स सिंस जीसस क्राइस्ट लिव्ड. ऑल्सो इफ यू आर वन इन द 10 बिलियन देन यू आर ट्रूली यूनिक. 100 billion is the number of stars in the Milky Way galaxy and it is also equal to the number of galaxies in the entire observable universe. Also, as the earth ke upar jitne bhi humans born hue, matlab all the homo sapiens that have ever walked the earth is equal to 107 billion. एक जीरो लगाने से हमको एक नया नाम मिल जाता है विच इज अ ट्रिलियन और अ मिलियन मिलियंस. अगर तो आप किसी भी तरीके से एक बहुत बड़ा वेइंग स्केल बना लें और इस पूरे प्लैनेट के सब लोगों को उसके ऊपर डाल दें, देन दिस इज व्हाट द स्केल इज गोइंग टू रीड, 1 trillion पाउंड्स और 0.6 trillion kgs. 100 ट्रिलियन. आज तक ह्यूमन हिस्ट्री में जितनी भी बुक्स पब्लिश हुई हैं, उन सभी के नंबर ऑफ लेटर्स को अगर तो आप कंबाइन कर दें तो यू विल गेट 100 ट्रिलियन. ऑल्सो एक ह्यूमन बॉडी में भी 100 ट्रिलियन सेल्स होते हैं जिसमें से आधे हमारे और आधे बैक्टीरियल सेल्स होते हैं. क्वाड्रिलियन, ये एक इतना बड़ा नंबर है कि इसकी बात सिर्फ तभी होती है जब हम इकोनॉमिक्स में पूरे वर्ल्ड लेवल पे कोई बात कर रहे हो या फिर एक करेंसी इतनी छोटी हो कि वो वैल्यूएबल ना हो. फॉर एग्जाम्पल, द ग्रॉस वैल्यू प्रोड्यूस बाय द एंटायर वर्ल्ड इन 10 ईयर्स इज क्लोज टू 1 quadrillion USD.
इंटरेस्टिंगली जिम्बाब्वे में कुछ सालों में इन्फ्लेशन की वजह से वहाँ की करेंसी इतनी ज्यादा डूब गई है कि वहाँ के गवर्नमेंट ने एक 100 ट्रिलियन डॉलर का नोट इशू किया था। ऐसे सिर्फ 10 नोट्स पाने से ही आप लोग एक क्वाड्रिलियनेयर बन जाएंगे, विच माइट बी अ ड्रीम कम ट्रू, बट उसकी इंडियन वैल्यू सिर्फ 20,000 रुपीज ही होगी। टाइम की बात करें तो अ क्वाड्रिलियन सेकंड्स वुड बी 32 मिलियन इयर्स अगो, अ क्वाड्रिलियन मिनट्स वुड बी 1.9 बिलियन इयर्स अगो एंड अ क्वाड्रिलियन आवर्स वुड बी मोर देन द एज ऑफ आवर एंटायर यूनिवर्स। एक और जीरो से हमको मिलेगा क्विंटिलियन और अ मिलियन ट्रिलियंस। अर्थ के सारे ओशंस में जितने क्यूबिक मीटर्स ऑफ पानी है दैट इज इक्वल टू अ क्विंटिलियन। ऑल्सो सॉल्ट के एक दाने में जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1.2 क्विंटिलियंस। 100 क्विंटिलियन, अगर तो आप हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के एक कॉर्नर से 100 क्विंटिलियन स्टेप्स लेना स्टार्ट करेंगे तो आप मिल्की वे के दूसरे कॉर्नर तक पहुंच जाएंगे। और आगे बढ़े तो हम आएंगे 1 सेक्सटिलियन और फिर 100 सेक्सटिलियन पे। 100 सेक्सटिलियन इज द नंबर ऑफ एस्टिमेट फॉर द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इन द एंटायर यूनिवर्स। ऑल्सो आप लोगों ने ये नंबर अपने स्कूल में देखा होगा जहाँ पे 602 सेक्सटिलियन और 6.02 × 10²³³ इज अ मोल और द एवोगैड्रोस नंबर। 10²² और 10 सेप्टिलियन, हमारे पूरे अर्थ के जितने भी ओशंस में जितना भी पानी की ड्रॉपलेट्स हैं या फिर बूंदे हैं दैट इज इक्वल टू दिस नंबर। 1 ऑक्टिलियन, हमारे पूरे अर्थ का वेट इज इक्वल टू 6 ऑक्टिलियन ग्राम्स। नॉट ओनली दिस, एक एवरेज ह्यूमन बॉडी में अराउंड 7 ऑक्टिलियन एटम्स होते हैं विच इज प्रीटी अमेजिंग। अगर तो हम इमेजिन कर पाए कि हमारा पूरा अर्थ हॉल हो गया है तो आपको उसको भरने के लिए 1 ऑक्टिलियन पीस लग जाएंगे। तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं और जंप मारते हैं 10²³। अब ये नंबर आएगा कैसे? सिंपली यू टेक अ ट्रिलियन, यू मल्टीप्लाई इट विद अ ट्रिलियन, विद अ ट्रिलियन, विद अ ट्रिलियन, विद अ ट्रिलियन, विद अ ट्रिलियन एंड बाय 100 मिलियन। 1 followed by 80 zeros. That's how this big number is. हमारे पूरे यूनिवर्स में जितने एटम्स प्रेजेंट है उसका नंबर इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 10²³। सरप्राइजिंगली दिस इज स्टिल लेस देन द नंबर ऑफ पॉसिबल गेम्स ऑफ चेस। 10²³₹90, हाउ टू विजुलाइज दिस नंबर? अगर तो आपके पास पूरा यूनिवर्स खाली है और आपको उसको सैंड के दानों से भरना है तो आपके पास जितने सैंड के पार्टिकल्स लगेंगे टू पैक द यूनिवर्स फुल अप टू द ब्रिम इज इक्वल टू 10²₹90। बट वेट, इट डजंट एंड देयर बिकॉज वी इवन हैव अ बिगर नंबर फॉर यू इन माइंड विच इज 10²₹100 और अ गूगल। अब ये 1 गूगल इतना बड़ा नंबर है कि बहुत से लोगों ने इसके बारे में सुना ही नहीं होता है। अगर तो मैं आपको सैंड पार्टिकल्स दूं इक्वल टू 1 गूगल तो आप हमारे यूनिवर्स जैसे 10 बिलियन और यूनिवर्सेस पूरे सैंड से भर पाएंगे। अगर तो आप हमारे पूरे यूनिवर्स को न्यूट्रॉन से भरने से दैट देयर इज नो एम्प्टी स्पेस बिटवीन देम तब आपके पास आएगा नंबर क्लोज टू 10²128 न्यूट्रॉन्स। To make things crazier, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर तो आप किसी भी तरीके से गूगल की इमेंसिटी को समझ पाए हैं तो हमारे पास आपके लिए एक और बड़ा नंबर है, अ गूगलप्लेक्स, विच इज 10²³ गूगल। तो जैसा कि हमने देखा कि आप हमारे जान पहचान की सबसे बड़ी चीज इस पूरे यूनिवर्स को सबसे छोटी चीज सैंड से भी भर देंगे तो भी आप गूगल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो गूगलप्लेक्स तक कैसे पहुंचे? इसमें इतने सारे जीरोस हैं, हाउ डू यू राइट दीज जीरोस? लेट मी टेल यू। अगर तो आप पूरे यूनिवर्स को सैंड से भर दें, हर एक सैंड के पार्टिकल पे 10 बिलियन जीरोस लिखें, तब जाके पूरे यूनिवर्स में जितने सैंड के ऊपर जितने जीरोस हैं, वो नंबर विल बी इक्वल टू अ गूगलप्लेक्स। But, Googleplex is still not the largest number that we know of. Mathematicians जिस largest number की बात करते हैं वो है Graham's number. अब हालांकि Graham's number से भी आगे जाना possible है, but it is already much beyond what our imagination can help us to visualize. और जैसा कि आप guess कर ही पाएंगे कि Graham's number को visualize करना बहुत सारे mathematicians के लिए भी बहुत ही mind-boggling task हो सकता है। अगर तो आपको नंबर्स पसंद है एंड यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड बिग नंबर्स देन यू शुड स्टार्ट विद द बेसिक्स। मतलब कि आपको बेसिक्स ऑफ ऑपरेशन, एक्सपोनेंट्स, टाइप ऑफ नंबर्स, ये सब कुछ पता होना चाहिए। हमारे ऐप पर इन सभी की डिटेल वीडियोस प्रेजेंट हैं। आप डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Avanti is launching new video series. Tune in every Monday for JE problem solving and every Saturday for a class 10 video. We will also be releasing exciting science videos. So subscribe now so that you never miss an update from us.